दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के ई और डी ब्लॉक की मार्केट में कुछ दुकानों को निगम द्वारा सील किया गया और एंक्रोचमेंट को भी हटाया गया। बाहर सड़क पर बनी अवैध दुकानों को हटाया गया जिनमें लकड़ी के खोखे में ये दुकान चल रही थी। साथ ही नगर निगम के लाइसेंस डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची और कुछ केमिस्ट की दुकानों को भी सील किया गया। ये वे दुकान थी जिनके पास नगर निगम का लाइसेंस नहीं था और बिना लाइसेंस के ये केमिस्ट की दुकान चल रही थी। इन दुकानों को आज जहांगीरपुरी बाबू जगजीवन राम अस्पताल के सामने की मार्केट में नगर निगम के दस्ते ने आकर सील किया। साथ ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल के सामने डीडीए की मार्केट के आसपास जितनी भी एंक्रोचमेंट और अवैध दुकानें थी, बाहर रेहड़ी पटरी लगाई गई थी, उन सभी को निगम के दस्ते ने हटाया और अपने साथ लाए निगम के वाहन में माल को भरकर ले गए, जिससे सभी दुकानदारों में खासा रोष है और निगम के खिलाफ नाराज नजर आए। दिल्ली क्या नाम है आपका? अमजद नाम। अमजद जी, क्या पूरा मामला है? मामला यही है, डीडीए मार्केट का है, हम लोग काम करने वाले हैं, मालिक तो कोई और है, पर ये जो है हम लोग को थोड़ी कोई नहीं, कुछ नहीं दिया आया, तोड़ चला गया। ये आपकी दुकानें भी सील करी गई है? दुकानें सील कर गए। तो ये डीडीए की मार्केट के अंदर आती है आपकी दुकान? डीडीए मार्केट के अंदर आती है। मनोज जी, क्या पूरा मामला रहा है? ये अचानक आया, अभी कागज दिखाए, डीडीए का कागज था मेरे पास, डीडीए की दुकान है, डीडीए को किराया भी करना है, रसीद भी थी, ड्रग डिपार्टमेंट का लाइसेंस है मेरे पास, दिखाया, उन्होंने कहा नहीं जी एमसीटी का ट्रेड लाइसेंस है, मैंने अप्लाई कर रखा, वहाँ से लाइसेंस मिला नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है, बस इसी बात की। कितना समय हो गया आपको लाइसेंस अप्लाई करे हुए? मेरे को जी 10 साल। 10 साल हो गए, 10 सालों से अभी तक आपका कोई लाइसेंस नहीं मिला? मैं गया तो वहाँ पे नहीं, एमसीटी का जो ट्रेड लाइसेंस होता है उसके लिए वहाँ से दिया नहीं, वो कह रहे जी आ जाएगा आ जाएगा, अभी देते नहीं। तो क्या आपकी दुकान सील कर दी है? मेरी दुकान सील कर दी है।